हैं हानेवाल की तरफ। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। सख्त सर्दी में ना गैस और ना ही बिजली, शहरी परेशान। मजीद क्या तफसीलात हैं जानने की कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, आपके पास क्या तफसीलात हैं, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही मुल्क भर में इस वक्त ना बिजली ना गैस शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। जिन इलाकों में खाना पकाने के लिए सिर्फ गैस पर इन्हिसार किया जाता है, गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं, जबकि LPG गैस की ब्लैक में 200 रुपये किलो तक फरोख्त जारी है। इस हवाले से जब वज़ीर तवानाई उमर अयूब से बात हुई तो उनका कहना था कि सिस्टम को बचाने के लिए वक्ती तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि मुल्क में बिजली की पैदावार और तरसील मामूल के मुताबिक है। एंटी फॉग डिस्क लगाने के बावजूद धुंधले सिस्टम को मुतासर किया। सिस्टम को बचाने के लिए आर्जी तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। 500 KV गुड्डू ट्रांसमिशन लाइन शदीद धुंध की वजह से ट्रिप हो गई है। फॉल्ट का तयन करके मुरम्मत के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। दूसरी जानब पावर डिवीजन का कहना कि मुल्क में शार्टफॉल 2000 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की तलब 14,000 जबकि पैदावार 12,000 मेगावाट है।